हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। आप यहां पे देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें एक लाइन सेगमेंट लाइन और बनी है और उससे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2। अब स्ट्रेट लाइन का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो दैट मीन्स 1 और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री। इन दोनों को मिला के इनका एडिशन क्या है? 180 डिग्री। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। कि अगर एंगल ए को हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो एंगल 2 पर क्या इफेक्ट आएगा, बट क्या होगा? बोथ एंगल सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसकी ये वाली रे को कम कर दिया, ये वाली लाइन को, यहां से ये यहां शिफ्ट नहीं हो रही है। मतलब एंगल 1 को कम करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस वाली लाइन को इधर शिफ्ट कर दें या इस लाइन को इधर शिफ्ट कर दें। अगर इस लाइन को इधर शिफ्ट करते हैं हम, तो एंगल 1 कम हो गया, लेकिन फिर ये दोनों 1 और 2 क्या होगा? सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कम हो जाएगा और ये यहीं पर है अपना। यहां पे दिया हुआ है कि वो सप्लीमेंट्री रहेंगे एंगल 1 कम करने के लिए, करने पर भी कम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये वाला तरीका नहीं करेंगे, इस लाइन को इधर शिफ्ट करेंगे। ये हमने यहां शिफ्ट कर दी ये वाली लाइन, तो इससे क्या हुआ, ये 1 एंगल क्या हो गया, यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, राइट। एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर देती हूं मैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अब ये लाइन यहां से यहां शिफ्ट हो गई, तो क्या हुआ, एंगल 1 तो कम हो गया। सपोज करिए ये हमने यहां से यहां शिफ्ट करी है, कितना? 10 डिग्री पे। तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 की वैल्यू, एंगल 1 में जो भी वैल्यू थी उसमें से 10 डिग्री कम हो गया, और एंगल 2 क्या हो गया, 10 डिग्री बढ़ गया, क्योंकि एंगल 2 अब कहां तक हो गया, यहां तक नहीं है, यहां से पूरा यहां तक हो गया। तो जो एंगल 2 की वैल्यू थी वो 10 डिग्री से बढ़ गई। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते बीच वाली लाइन को, मतलब एंगल 1 को हम 10 की जगह 20 डिग्री कम करते हैं, तो वो 20 डिग्री कहां ऐड हो गया, एंगल 2 में ऐड हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं उतना ही एंगल 2 इंक्रीज हो रहा है। किस कंडीशन में? अगर ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बने रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन तो 180 ही रहेगा। तो अब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 की एडिशन क्या है, 2 का 180 डिग्री, तो यहां पे कुछ कम कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा, अगर हमें 180 एज इट इज रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद सेम अमाउंट या सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। जितना भी एंगल 1 में डिक्रीज होगा, एंगल 2 की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी।